गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम तो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर एट द आउटसेट आ रिक्वेस्ट ये साइंटिफिक चैनल है ये साइंटिफिक डिलिब्रेशन है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें आज मैं बात करूंगा हेलिको पाइलोरी इन्फेक्शन के बारे में ये खाने की थैली में इन्फेक्शन है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का जो इंफेक्शन है इसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए आज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का जो इंफेक्शन है इसके एक जनरल कंसिडरेशन एंड जनरल जो नॉलेज है उसके बारे में बात करूंगा मैं इनफेक्ट को जरा ध्यान से देखिए जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है वास्तव तो में एक बैक्टीरिया है

सेकंड पार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हम ध्यान से देखें, तो जो उनमें इंफ्लेमेशन पैदा होगा और इन्फ्लेमेशन जो पैदा होगा उसे कहते हैं गेस्ट्राइटिस लेकिन गेस्ट्राइटिस के अलावा जो ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इंफेक्शन उसको ध्यान से देखें नंबर वन गैस्ट्रिक अल्सर पैदा कर सकता है नंबर दो ये ड्यूडोनल अल्सर पैदा कर सकता है और जैसे मैंने कहा गैस्ट्राइटिस तो एक करता ही है Now, अगर इसके ध्यान से हम देखें हेलीकॉप्टर के इंफेक्शन को ऐसे होंगे या दस लोग ऐसे होंगे समय के साथ अल्सर जैसी बीमारी होने का डर बढ़ जाएगा यह बात सही है कि अगर अल्सर जैसी बीमारी होती है तो रिस्क फॉर गेस्टिक कैंसर

हो जाती है अगर आप ध्यान से देखें कि का जो है, वो क्या सिम्टम्स लेके आएगा क्या लक्षण लेके आएगा आप उसे कैसे पहचानेंगे? हेलीकोबैक्टर का इंफेक्शन अगर खाने की थैली में है तो आपको ब्लोटिंग की फीलिंग होगी आप थोड़ा सा खाना खाएंगे तो पेट आपका फूलेगा आपको बीच बीच में जीव छाएगा होगा या हो सकता है कि वॉमिटिंग होने लगे नंबर तीन आपको ना, नाभि के या का जो एरिया है, इसमें आपको दर्द हो सकता है या खाना खाने के बाद दिस, आई जैसे जैसे कभी कभी खाने के बाद बहुत ज्यादा फीलिंग आने लगती है कि पेट बहुत फूल गया इतना सा खाना खाने के बावजूद भी इसके अलावा आर सर्टेन ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो बड़े नॉन स्पेसिफिक जैसे कमजोरी या फटिक महसूस होना कभी कभार अगर अंदर अल्सर है और उसमें से ब्लड रिसा तो आपकी जो लेटरिन है वो काले रंग की हो सकती है इन कभी कभार उल्टी में खून आ सकता है ये बात बिल्कुल सही है नौ अगर हम हेलीकॉपेक्टर को इंफेक्शन को देखें तो ये सबसे ज्यादा देखा जाता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में तो अंडर डेवलप्ड कंट्री जहां के हाइजीनिक स्टेटस नीचे है डेवलपमेंट कंट्री जहां के हाइजीनिक स्टेटस नीचे है, का देखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे तो कम हो रहा है अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को देखें तो आज की तारीख में जो इंफेक्शन की रेट है वो ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट है नो इसके डायग्नोसिस के लिए एक्चुअली क्या करना पड़ता है चार तरीके जिसे ये डायग्नोसिस क्लियर one, आप कर सकते हैं जिसमें तीन है। ब्रथ टेस्ट कहते हैं, इसे इसमें का जाता है। three, किया जा सकता है जिसमें अमोनिया जैसी जो गैस है उसको चेक किया जाता है या आप एंडोस्कोपी करा सकते हैं और एंडोस्कोपी में अंदर ही से एक छोटा सा पीस लिया जाता है जिसे कहते हैं रेपिड यूरियस टेस्ट जो रेपिड यूरियस टेस्ट है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपको हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन है या हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन नहीं है एंडोस्कोपी इसके अलावा और भी एडवांटेज है इन द सेंस कि ये हमें जानकारी देती है कि आपकी खाने की थैली में गेस्ट्राइटिस तो नहीं है

तीन जो एसिड सपरेशन के लिए यूज होती है S -O ये तीन चीजों का जो कॉम्बिनेशन है इसमें हाईएस्ट क्योर रेट देखी जाती हैं, एज फार एज एच पाइलोरी का इंफेक्शन कंसर्ट बिल्कुल सही है कि कोई ना तो नेचुरल क्योर है न कोई स्पेशल डाइट है जो इस इंफेक्शन को इरेडिकेट करने की ताकत रखती हो यह बात बिल्कुल सही है कि हेलिकोबैक्टर का जो इंफेक्शन है यह काफी कंटेजियस है यह पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करता है फिर माना जाता है कि यह सिलाईबस से सबसे ज्यादा स्प्रेड करता है बट पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होना इसकी फितरत है अगर आप ठीक हाइजीन मेंटेन करते हैं आप प्रॉपर जो है ना प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं तो जो रिस्क होती है ह्यूमन टू तो ह्यूमन ट्रांसमिशन की वो हमेशा कम हो जाती है इसलिए हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैटर है नो ये बात सही है कि अगर हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन होता भी है कि या खाने की थैली में हुआ या ड्यूडनम में हुआ तो इतना ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है साइंस ऐसा मानती है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें ये जो इंफेक्शन है ये हमेशा माइल्ड होता है माइल्ड अगर होगा तो बहुत कम सिम्टम्स आएंगे या ना के बराबर सिम्टम्स आएंगे ये, ये बात सही है कि अगर ये अनट्रीटेड रहा लंबे समय चलता रहा तो आपको गेस्टिक अल्सर या अल्सर उसके होने की संभावना होती है और अगर गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूनल होंगे तो उसके जो भी कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल हैं चाहे वो रप्चर हो चाहे वो ब्लीडिंग हो वो हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है ये बात बिल्कुल सही है तो जहां तक हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन का सवाल है इसे हेलिकोबैक्टर पायलोरी कहते हैं जो हमारी खाने की थैली और हमारी ड्यूडनम दोनों को इन्वॉल्व करता है बात सही है कि हेलीकॉप्टर का इंफेक्शन वाइड स्प्रेड है इन दुनिया की 50 परसेंट जो पॉपुलेशन है इस इंफेक्शन से सफर करती है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंफेक्शन है वो माइल्ड होता है इन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है लेकिन अगर आपने सिम्टम्स को ध्यान नहीं दिया इसको प्रॉपर ट्रीट नहीं कराया तो एक गेस्ट्राइटिस करने की ताकत रखता है गेस्ट्रिक अल्सर करने की ताकत रखता है जोनल अल्सर करने की ताकत रखता है ये गेस्ट्रिक कैंसर एंड गेस्ट्रिक जो लिंफोमा है इसके रिस्क को एनहांस करता है तो इसलिए अगर आपका पेट फूलता है लगातार जिम चलाता है पेट में ऊपर की तरह दर्द रहता है और ऐसा लगता है कि आप कुछ भी खाते हैं तो पेट एकदम से ब्लोट हो जाता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए कहीं आपको हेलीकोपेक्टर का इंफेक्शन तो नहीं है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हेलीकॉपेक्टर को समझने में अगर यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर थैंक यू वेरी मच